सो हाय गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 3 बेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स जो आपको 25,000 के प्राइस पॉइंट के नीचे नीचे मिल सकते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। और भाई, अगर आपको एक फ्लैगशिप लेवल वाला मजा लेना है, अब चाहे वो गेमिंग में हो, वीडियो एडिटिंग में हो या फोटोग्राफी वगैरह में हो, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैंने वीडियो में लेटेस्ट स्मार्टफोन्स को कवर किया है जो न्यूली लॉन्च्ड हुए हैं मार्केट। तो भाई, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड अपने घंटे को भी जोर से दबा लो ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हाँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अरे बस कर भाई, तो रहन दो फिर। सो गाइज, हमारी लिस्ट का सबसे पहला जो स्मार्टफोन हमें देखने को मिलता है वो आता है OnePlus की तरफ से। स्मार्टफोन का नाम है OnePlus Nord CE25G। स्मार्टफोन ने रिसेंटली मार्केट में एंट्री मारी है और काफी बढ़िया फीचर्स के साथ आपको मिलता है। तो स्मार्टफोन के फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो 6.43 इंचेस की अमोलेड डिस्प्ले आपको इसमें मिल जाती है जो 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ आती है। और इस डिस्प्ले पे आपको HDR 10 प्लस का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है जिससे आपके डिस्प्ले के कलर्स और व्यूज वगैरह काफी ज्यादा इमर्सिव क्वालिटी में आपको मिलते हैं। प्रोसेसर की अगर मैं बात करूं तो MediaTek का Dimensity 900 5G चिपसेट आपको इसमें मिल जाएगा जो 6 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन पे मिलता है। और भाई, चिपसेट के साथ आप हाई सेटिंग्स पे बहुत ही बड़े बड़े गेम्स को आसानी से प्ले कर पाओगे। और स्मार्टफोन का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि स्मार्टफोन 5G है, यानी कि एक फ्यूचर प्रूफ स्मार्टफोन जिसमें आपको 8 5G बैंड्स का सपोर्ट देखने को भी मिल जाता है। बैटरी लाइफ की अगर मैं बात करूं तो स्मार्टफोन आपको 4500 मिलियन एम्पीयर की बैटरी के साथ मिलता है जो 65 वाट के चार्जर को सपोर्ट करता है। और भाई, बैटरी भी आपको एक अच्छा खासा बैकअप दे देती है बिकॉज ऑफ अमोलेड डिस्प्ले। बाकी 8GB रैम एंड 128GB रोम वाला वेरियंट आपको 25,000 के नीचे नीचे मिल जाएगा जिसके साथ आपको एक डेडिकेटेड स्लॉट भी मिल जाता है और इसकी हेल्प से आप अपनी मेमोरी भी एक्सपेंड कर पाओगे। कैमरा लवर्स के लिए 64 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा के साथ ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है एंड साथ ही आपको सेल्फी में 16 मेगापिक्सल का इन डिस्प्ले सेल्फी कैमरा भी मिल जाएगा। और भाई, कैमरा काफी अच्छा परफॉर्म करता है डे एंड लो लाइट में, तो ये काफी अच्छा प्लस पॉइंट हो जाता है उन बंदों के लिए जिनको एक वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी वाला स्मार्टफोन चाहिए। दोस्तों, सिक्योरिटी पर्पस के लिए आपको एक अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाता है जिससे आपका फोन और आपके स्मार्टफोन के डाटा बहुत ज्यादा सेफ एंड सिक्योर रहते हैं। तो भाई, बात कर ली जाए स्मार्टफोन के प्राइसिंग के बारे में, तो स्मार्टफोन का नाम मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। फॉर प्राइसिंग का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाकर चेकआउट करके बाई भी कर सकते हो। गाइज, हमारी लिस्ट का अगला जो स्मार्टफोन आता है वो आता है रियलमी की तरफ से एंड जिसका नाम है रियलमी 9 प्रो प्लस 5G। स्मार्टफोन काफी ज्यादा टॉप नोट स्पेसिफिकेशंस के साथ आता है, तो चलिए बात कर लेते हैं फीचर्स की। सो सबसे पहले तो अगर डिस्प्ले की बात की जाए तो 6.4 इंचेस की 90 हर्ट्ज वाली सुपर अमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है। और भाई, सुपर अमोलेड डिस्प्ले होने के कारण आपके डिस्प्ले के जो व्यूज एंड ग्राफिक्स है वो बहुत ही ज्यादा बेस्ट क्वालिटी में आपको मिलते हैं एंड आपके गेमिंग और कंटेंट कंजम्पशन के मजे को भी ये नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। चिपसेट की अगर मैं बात करूं तो MediaTek का Dimensity 920 5G चिपसेट आपको इसमें मिल जाता है जो एक फ्यूचर प्रूफ 5G स्मार्टफोन है और इस स्मार्टफोन में आपको 13 5G बैंड्स का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, तो ये काफी अच्छी बात हो जाती है। बैटरी लाइफ की अगर मैं बात करूं तो 4500 मिलियन एम्पीयर की बड़ी बैटरी आपको इसमें मिल जाती है। नहीं, इसको हम बड़ी बैटरी तो नहीं बोल सकते, बट इसका एक कारण है और वो ये है कि इसमें आपको 60 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल जाता है जिसकी वजह से आपका स्मार्टफोन 44 मिनट में 100% पूरा चार्ज हो जाएगा। कैमरा सेटअप की अगर मैं बात करूं तो 50 प्लस 8 प्लस 2 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप आपको इसमें मिल जाता है। और भाई, मेगापिक्सल्स देख के आप कैमरे को जज मत करने लग जाना बिकॉज ये कैमरा 50 मेगापिक्सल का होके भी 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है। और कुछ फोन ऐसे आते हैं कि 108 मेगापिक्सल के कैमरा होने के बावजूद भी वो फुल HD रेजोल्यूशन की वीडियोग्राफी कर पाते हैं, तो भाई मेगापिक्सल्स डिसाइड नहीं करते हैं कि आपकी फोटो कैसे आने वाली है। एंड फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का इन डिस्प्ले सेल्फी कैमरा मिल जाता है। स्टोरेज वगैरह की बात की जाए तो 8GB रैम एंड 128GB रोम वाला वेरिएंट आपको 25,000 के नीचे मिल जाएगा, बट इसका माइनस पॉइंट ये भी है कि इसमें आपको किसी भी तरह का कार्ड स्लॉट मेमोरी एक्सपेंड करने के लिए नहीं मिलता है। और अगर कुछ एडिशनल फीचर्स की मैं बात करूं तो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, स्टीरियो स्पीकर्स एंड आपकी हेल्थ को इंडिकेट करने के लिए हार्ट रेट मॉनिटर भी आपको इसमें मिल जाएगा। सो फाइनली, अगर बात की जाए स्मार्टफोन के प्राइसिंग की, तो स्मार्टफोन के प्राइसिंग के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से डिटेल्स को चेकआउट करके बाय भी कर सकते हो। दोस्तों, हमारी लिस्ट का सबसे पहला और सबसे लास्ट जो स्मार्टफोन आता है वो आता है Xiaomi की तरफ से।
और भाई यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्मार्टफोन है। और अगर आप अपने स्मार्टफोन के साथ बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल हार्ड टास्किंग करते हो तो भाई इस स्मार्टफोन को आपको एक्वायर करना चाहिए। स्पेसिफिकेशंस की अगर मैं बात करूँ तो 6.67 इंचेस की अमोलेड डिस्प्ले आपको इसमें मिल जाती है, जिसपे आपको 120 हर्ट्ज की मलाई वाली रिफ्रेश रेट भी मिल जाएगी। एंड इसके साथ ही आपको HDR10 का सपोर्ट भी मिल जाएगा, जिसकी मदद से आपके डिस्प्ले के जो व्यूज है वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी में आपको मिलते हैं। चिपसेट की अगर मैं बात करूँ तो MediaTek का Dimensity 920 5G चिपसेट आपको इसमें मिल जाएगा, जो 6 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन पे मिलता है। और प्रोसेसर के साथ आप बड़े बड़े गेम्स को हाई सेटिंग्स पे प्ले कर पाओगे। एंड गाइस स्मार्टफोन फ्यूचर प्रूफ भी है, इसमें आपको 8 5G बैंड्स का सपोर्ट भी देने को मिल जाता है। बैटरी लाइफ वगैरह की बात करूँ तो 5160 mAh की बड़ी बैटरी आपको इसमें मिल जाएगी, जो 67 वाट के फास्ट चार्जर को सपोर्ट करती है। एंड कंपनी ये भी क्लेम करती है कि 13 मिनट में आपके स्मार्टफोन को 50% तक चार्ज कर देगा ये चार्जर, तो भाई आपका चार्जिंग टाइम बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। कैमरा लवर्स के लिए 108 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा के साथ ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको इसमें मिल जाएगा, जो भाई मैक्सिमम 4K वीडियो रेजोल्यूशन की वीडियोग्राफी कर सकता है। एंड वहीं फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का इन डिस्प्ले सेल्फी कैमरा भी मिल जाएगा। स्टोरेज वगैरह की बात की जाए तो 6GB रैम एंड 128GB रोम वाला वेरियंट आपको 25,000 के नीचे मिल जाता है। और आपको अपनी मेमोरी एक्सपेंड करने के लिए एक हाइब्रिड कार्ड स्लॉट मिलता है, तो भाई ये छोटा सा पंगा ही रहेगा आपके साथ, बट अगर आप एडजस्ट कर सकते हो तो आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। फोन के कुछ स्पेशल फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो IP53 डस्ट एंड स्प्लैश प्रूफ प्रोटेक्शन, साइड माउंट वाला फिंगरप्रिंट स्कैनर एंड स्टीरियो स्पीकर्स भी आपको इसमें मिल जाते हैं, जो स्मार्टफोन की प्रीमियमनेस को और भी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। सो गाइस फाइनली बात कर ली जाए स्मार्टफोन के प्राइसिंग की, तो स्मार्टफोन का जो नाम है वो है MI 11i। फॉर प्राइसिंग का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके चेकआउट करके बाई भी कर सकते हो। तो भाई ये थे आज के हमारे स्मार्टफोन्स, जो अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग ऑडियंस को टारगेट करते हैं। तो आपको क्या चीज़ अच्छी चाहिए, किस चीज़ में आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, वो आप देख के अपने लिए बेस्ट फ़ोन बाई कर सकते हो। बाकी यार वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो।